एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ फ्रीडम। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट सपना शर्मा। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लाइफ ऑफ टीचर इन पोलैंड। तो चलिए और आपको बताते हैं क्या लाइफ होती है टीचर की इन पोलैंड। आर टीचर्स रिस्पेक्टेड इन पोलैंड? तो दोस्तों, अगर हम बात करें टीचर रिस्पेक्ट इन पोलैंड, सो या इट्स रियली ह्यूज, यू नो, इट्स कम्स इन नंबर फर्स्ट। इफ आई टॉक अबाउट रेशियो, सो इट्स 77% and 78% आउट ऑफ 100 पीपल नो हाउ टू बिहेव विद टीचर्स एंड हाउ टू कम्युनिकेट विद टीचर्स। यू नो, इट्स अ वाइट कॉलर जॉब, सो या ऑफ कोर्स दे नीड टू रिस्पेक्ट अस। व्हाट इज ओपनिंग टाइम ऑफ स्कूल इन पोलैंड? लेट्स सी। या nice question, interesting. If I talk about opening hours in Poland of school, so it will comes in 8 hours. That is a lot, you know, बहुत ज़्यादा हो जाता है एक इंसान के लिए 8 hours काम करना। तो या 9 to 5 o'clock तक आपको काम करना पड़ेगा अगर एज अ टीचर जॉब आ रहे हैं पोलैंड के अंदर। बट इससे ज़्यादा अगर आप काम करते हैं तो दे विल पे यू एक्स्ट्रा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ टीचिंग लाइफ इन पोलैंड। वर्क ऑफ टीचर इन पोलैंड हार्ड और इजी? सो लेट्स गो, आपको बताते हैं। इफ आई टॉक अबाउट वर्क ऑफ टीचर इन पोलैंड हार्ड और इजी, सो आई विल से इट्स लिटिल बिट इजी बट नॉट सो मच इजी। यू नो, टीचिंग लाइफ इज डिफिकल्ट क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों को संभालना पड़ता है, बहुत सारे बच्चों को संभालना पड़ता है, पेरेंट्स को संभालना पड़ता है। तो नॉट इजी बट सिंपल कह सकते हैं। Is school helpful for teachers? So, चलिए मैं आपको बताती हूँ ऐसा है कि नहीं। Yeah, of course, school is really helpful for teachers. You know, teachers are star of the school. Of course, you know, India में क्या होता है कि अगर किसी भी टीचर से गलती हो जाती है तो प्रिंसिपल है जो टीचर्स पे ही गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं। पर पोलैंड में ऐसा नहीं है। अगर आपसे भी कोई गलती हो जाती है तो टीचर्स उसको समझते हैं, प्रिंसिपल उसको समझता है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर आके गुस्सा करने लग जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने की कोशिश की जाती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं अपने एम्प्लॉयर को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। हमेशा जो स्कूल है वो एम्प्लॉयर के साथ में हमेशा खड़ा रहेगा, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। दे आर रियली सपोर्टिव। तो ऑफकोर्स आई कैन से टीचर्स एंड प्रिंसिपल एंड स्कूल इज रियली हेल्पफुल फॉर टीचर्स इन पोलैंड। सैलरी ऑफ टीचर इन पोलैंड, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। Yeah, very important and last one question, salary of teacher in Poland. So, दोस्तों अगर मैं बात करूँ salary of teacher in Poland, so salary जो है वो आपको 8,000 to 9,000 जलोटी पक्का देने वाले हैं included tax. वो आपकी profile पे depend करता है कि आप teacher assistant है या फिर homeroom teacher है या फिर helping में है, तो आपकी salary पे depend करता है। No, salary वो आपकी profile पे depend करता है कि आप किस profile से वहाँ जा रहे हैं। 8 to 9 जलोटी आपको मिल जाएगा। 1,000 में बात कर रही हूँ, यानी कि इंडियन करेंसी में बात करूँ तो मैं 1 to 2 lakh रुपए। सो दोस्तों, अगर मैं कुल मिला के बात करूँ टीचिंग लाइफ इन पोलैंड, तो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इजी लाइफ होती है टीचिंग की, और काफ़ी अफोर्डेबल होती है। अगर आप सिंगल भी रहते हैं, रूम में रहते हैं, तो आप अपना खर्चा आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है खर्चा निकालने में। आपकी सैलरी इतनी होती है कि आप खाने का, रहने का और इवन घूमने का कभी खर्चा निकाल सकते हो, इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर आप टीचिंग लाइफ में आ रहे हैं यहाँ पर, टीचिंग लाइन में आ रहे हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल बेशक बेधड़क होके आइएगा और इंजॉय कीजिएगा। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। और अगर आपने मेरे इटली का व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ चाहिए चैनल में और देखना ना भूलिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।